नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अब बात करने जा रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की। किन नए लड़कों को मौका मिल सकता है, क्या कुछ पुराने खिलाड़ी वापस आएंगे या फिर नए खिलाड़ियों के साथ ही आगे बढ़ेंगे महेंद्र सिंह धोनी, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। इसलिए भी क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि धोनी को अब इस टीम में परिवर्तन करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि अब आप देखिए कि 2021 की टीम जो होगी ना, वो इन्हीं खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ी और जुड़ेंगे लेकिन इन्हीं खिलाड़ियों में से बनती हुई नजर आएगी। ऐसे में वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो महेंद्र सिंह धोनी के राडार पर होंगे कि इन खिलाड़ियों को लेकर ही मुझे अब 2021 की टीम को बिल्टअप करना है। उन खिलाड़ियों को आने वाले दो मुकाबलों में आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएंगे और वो खिलाड़ी कौन से होंगे, प्लेइंग 11 क्या होगी चेन्नई की टीम की, इस पर अब चर्चा करते हैं। तो प्लेइंग 11 में जो मेरे पास अब तक सोर्सेस खबर बता रहे हैं वो ये कि ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, फाफ डुप्लेसी होंगे, यानी कोई शेन वॉटसन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, अंबाती रायडू मिलेंगे आपको, महेंद्र सिंह धोनी तो होंगे ही, जगदीशन को मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी जो हम बात कर रहे थे लगातार कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं जिसमें युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, वहां पर जगदीशन होंगे, यानी कोई केदार जाधव नहीं, रविंद्र जडेजा को मौका दिया जाएगा, सैम करन होंगे, सैंटनर को मौका दिया जा सकता है, न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं आपको पता है, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, दीपक चाहर होंगे, इसके अलावा मोनू कुमार एक और गेंदबाज हैं उनको मौका दिया जा सकता है और इमरान ताहिर को भी मौका दिया जाएगा, यानी जो हम कह रहे थे कि आर साई किशोर या के एम आसिफ, इनमें से किसी एक को मौका शायद मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जो हमारे सोर्सेस इस वक्त के कह रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इन दोनों में से किसी को मौका मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो अपने आप में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, खासतौर पर अगर आप चेन्नई की प्लानिंग को देखें इस दौरान तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में बदलती हुई नहीं नजर आती हैं। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे कप्तान है जिनकी कप्तानी में आप देखेंगे कि टीम जो है ना मैक्सिमम वही टीम खेलती है और एक दो खिलाड़ी अंदर बाहर होते हैं, लेकिन इस बार पहली बार हमने ऐसा देखा है कि चेन्नई की टीम जब खेल रही है तो इसमें बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मौका दिया जा रहा है। आमतौर पर चेन्नई के सेटअप में हम देखते थे कि यार दो तीन खिलाड़ियों को इधर उधर मौका दिया जाता था वरना उनकी प्लेइंग 11 एक जैसी ही रहती थी, लेकिन क्योंकि इस बार सीज़न उस तरह से नहीं गया है और अब देखिए कि प्लेइंग 11 में जिस तरह की चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं हमें, वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि चीज़ें जो है ना वो अनसेटल तो हुई हैं और महेंद्र सिंह धोनी को अब 2021 की बिगर पिक्चर को देखना है तो वहाँ पर चीज़ों में बदलाव तो लाना पड़ेगा ही। तो देखते हैं यार किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती है। फिलहाल ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 हो सकती है और इसमें आप लोगों को लगता है कि कोई चेंजेस होने चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिसको आप देखना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिए।